Let it go. Auto puts her like, whoa. Thing I go. Oh, it over. I see. And you're the man to girl. Yeah, girl, you got blood. Yeah, no, I is it that I swear. Check I'm on the zero. Pokes are all can get you there. Go, me though, I wasn't done. Now I'm back on no more. Do it, get chump chinjore. She got me till the time, tiny tattoo, morning song, girl, 100 nit, ibuprofen, good, my hands, time and style. Single, girl, jack, a kind of style. I'm a girl. Yeah. 알면서도 마음이 자꾸 내게 가. Assalamualaikum from Baku. और आज technically तो मेरा तीसरा दिन है, लेकिन बीच वाला जो एक दिन था day two, वो मैंने कोई भी video नहीं बनाई. मैं थोड़ा सा rest कर रहा था, plus office के काम पे वो निपटा रहा था. तो आज कुछ बाकू को एक्सप्लोर करूँगा. वैसे तो मैं कल भी गया था शाम के टाइम पे, वो जस्ट एक दो फ्रेंड्स थे यहाँ पे, उनसे मिलने के लिए. तो वीडियोस मैंने कोई नहीं बनाई. आज प्रॉपरली मैं बाकू को एक्सप्लोर करके तो वीडियो बनाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा. अभी हूँ जी मैं बाकू का जो एक फेमस हॉस्टल है, साहिल हॉस्टल, वहाँ पे. और जस्ट मैंने जो है ना, अभी ब्रेकफास्ट थोड़ा सा जस्ट एक कॉफ़ी ली है, क्योंकि ब्रेकफास्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं था, तो कॉफ़ी खुद ही बनाई है. और उसको अब चेकआउट करके तो फिर मैं जाऊँगा बाकू को एक्सप्लोर करने के लिए. तो मैं जिस हॉस्टल में रुका हुआ था, मुझे ये पड़ा था 9 मन्नात पर नाइट, तकरीबन पाकिस्तानी 1000 रुपये पर नाइट पड़ता है. तो मैं आपको ज़रा हॉस्टल का क्विक सा जो है ना टूर करवा देता हूँ, इन केस अगर आपको यहाँ पे स्टे करना हो तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं. बहुत अच्छी जगह है. ये है जी कुछ बाहर का यहाँ से व्यू, इसकी बालकनी से. ये फेमस जो फ्लेम टावर्स हैं बाकू के, वो सामने नज़र आ रहे हैं. और ये नीचे रोड है, जो कि हर टाइम यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है. और ऐसे कुछ बाहर से देखने की बिल्डिंग है जो हॉस्टल वाली है. और ये वाला हॉस्टल का एरिया है अंदर का. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आराम से बोलूँगा, क्योंकि बहुत अभी तक काफ़ी लोग सो रहे हैं. तो यहाँ पे बैठ के आप काम कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप या अपना कोई ऑफिस का काम करना है. ये मेरा मोबाइल अभी तक चार्ज पे लगा हुआ है यहाँ पे. और ये रिसेप्शन है, टीवी भी लगा हुआ है यहाँ पे. अगर आपने कोई टूर वगैरह लेना है तो यहाँ पे इनके टूर के हिसाब किताब भी पड़े हुए हैं. तो ये ऐसा कुछ रिसेप्शन है. एंड ये रही इनका जो है लॉबी. इसमें अंदर फर्दर रूम्स, जो बंक बेड्स वाले रूम्स हैं वो हैं. तो मैं आपको अपने वाला दिखा देता हूँ. ये सामने शॉवर के लिए, फीमेल के लिए शॉवर का एरिया है. ये कुछ रूम्स हैं जिसमें आपको बेड मिल जाएगा. मैं अंदर से दिखा देता हूँ, लेकिन बोलूँगा नहीं. के लिए नीचे हर बेड के नीचे जगह दी हुई है. और इन केस अगर आपका लगेज बड़ा है तो आप उनको सेपरेटली भी यहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं. एंड किचन ये है, जहाँ पे आपको खुद बनाना पड़ेगा. दिस वन. तो ऐसा कुछ था जी ये साहिल हॉस्टल. और अभी फ़िलहाल मैं ज़रा अपना तैयारी श्यारी करके, चेकआउट करके तो बाकू सिटी टूर के लिए निकलूँगा. ले जी फाइनली बाकू यात्रा स्टार्ट हो चुकी हुई है. और चेकआउट कर दिया मैंने हॉस्टल से, क्योंकि बाकू का टूर है, पता नहीं शाम कहाँ पे होगी. तो मैंने यहाँ से तो चेकआउट कर दिया. उनका नंबर मेरे पास ऑलरेडी था व्हाट्सएप. वो कह रहा है व्हाट्सएप करोगे तो आपको अगेन बेड स्पेस दे देंगे. तो अगर तो शाम में मेरे पास टाइम निकला वापस इधर आने का, तो यहाँ पे आ जाऊँगा. अदरवाइज़ कोई भी करीबी जगह देखकर वहाँ पे पड़ाव डाल दूँगा. तो अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ जो यहाँ की मेट्रो है वहाँ पे.
तो वहाँ से मुझे जाना है निर्माण स्टेशन, वहाँ पे एक दोस्त को साथ में लेना है और फिर बाकू टूर स्टार्ट करें। ऐसा कुछ है जी बाकू के रोड्स देखने में। ये इनका जो है वो फॉर्मूला वन का इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है, मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट मंथ है जुलाई में या जून में, 10 जून को है या 10 जुलाई को है। तो ये जो आप फैंस देख रहे हैं रोड के साथ, ये फार्मूला वन के रेस के लिए रोड्स को रेडी किया जा रहा है, साथ में फैंस लगाए जा रहे हैं। तो इवेंट तो मेरा ख्याल नेक्स्ट मंथ में ही स्टार्ट है, उस टाइम पे बाकू बिल्कुल भी नहीं आइएगा अगर प्लान कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको हज़ारों के हिसाब से होटल्स मिलेंगे, लाइक 25,000-30,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से। उस टाइम बहुत महंगा होता है और अराउंड 100 मनात का सिटी एंटर होने का टिकट होता है। तो वो सामने रहा मेट्रो स्टेशन, मुझे मेट्रो पकड़ के साहिल स्टेशन से निर्माण स्टेशन जाना है। तो ये रहा जी बाकू का साहिल जो मेट्रो स्टेशन है वो, एंड कार्ड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको आप यहाँ पे स्कैन करेंगे तो ये काटा है इसने 0.3 मन्नात, 0.3 मन्नात इज़ 30 रुपीज़। ऐसा है कुछ बाकू का मेट्रो स्टेशन देखने में, मतलब कि नीचे चूँकि अंडरग्राउंड है तो अच्छा खासा लंबा इसका जो है ना वो एस्केलेटर है नीचे जाने के लिए, आई थिंक 2 मिनट तो लगेंगे नीचे पहुँचने में। The doors are closing. The next station is 28 Mile. चलें जी, ये आज का रहा नाश्ता, ये है पराठा एंड ये है ऑमलेट, और ये रहा एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जिसमें मैंने ये ऑर्डर किया है। हाँ चाय भी है। तो मैं करता हूँ नाश्ता, उसके बाद आज जुमा है, नमाज़ पढ़ना, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, मस्जिद भी यहाँ से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर दूर है। चलें जी, फाइनली नाश्ता वाश्ता हुआ, बैग मैंने, मेरे साथ ये हुसैन भाई हैं, ये इस्तांबुल में होते हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी इस्तांबुल से कराची जाते हुए फ़्लाइट में, और अभी फ़िलहाल हमारे साथ जो है ना वो गूगल ने खेल ली है, वो ये खेला है कि नमाज के लिए मस्जिद ढूंढ रहे थे, लोकेशन डाली है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली लोकेशन में तो गूगल पे आ रहा था मस्जिद है, लेकिन वहाँ पे मस्जिद कोई नहीं है, तो अब बिना मस्जिद की नमाज के किसी और जगह जाके देखते हैं तो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तो होगी, तो वहाँ पे फिर नमाज़ पढ़ेंगे, तो देन आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स ओल्ड टाउन। लें जी निर्माण स्टेशन से मेट्रो लेकर अगेन आ गया हूँ मैं अचारी शहर मेट्रो स्टेशन। ये रहा मेरे पीछे, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या एक्सप्लोर करना है, ओल्ड जो बाकू सिटी है वो, मुझे थोड़ा सा ओल्ड सिटी का टच नज़र आना शुरू हो गया, तो चलें आपको भी दिखाता हूँ बाकू का ओल्ड सिटी।
ओल्ड सिटी बाकू जो वर्ल्ड सिटी है उसके अंदर एंटर हो गया हूँ। और 12th सेंचुरी का जो ये सिटी है ये है सराउंडेड एक वॉल के अंदर है और 1200 सेंचुरी में इसको बनाया गया था। मेन एरिया जो बाकू का था या जिसको अज़रबैजानी लोग रहते थे उसको अपने एरिया को डिफेंड करने के लिए ये मेरे साथ जो वॉल चल रही है इस वॉल को बनाया गया था। इस एरिया में अगर आप आते हैं मतलब ओल्ड सिटी में अगर आप आते हैं तो 2 से 3 अट्रैक्शंस हैं वो आपको मिल जाएंगी जिसमें एक मैदान टावर है और दूसरा शिरवान शाह पैलेस है। तो अभी फ़िलहाल जो है एक्सप्लोर करूँगा गलियों को ओल्ड सिटी, देन उसके बाद ये दोनों जो अट्रैक्शंस हैं उसको उसकी तरफ जाऊँगा। चलें जी ओल्ड सिटी बाकू का टूर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 2 से 2.5 घंटे इधर गलियों में जो है ना वो सही से ख्वार हुआ हूँ, घूमी है, एक्सप्लोर की हैं। वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना भी मैक्सिमम दिखा सका जगह गलियाँ बाकू ओल्ड सिटी की वो आपको पसंद आई होंगी। वीडियो आज की मैं यहाँ पर एंड करूँगा क्योंकि मुझे अभी वापस जाना है होटल और जाकर फिर ऑफिस का काम करना है, तो शाम में तो मैं शायद कहीं ना निकल सकूं। कल फिर मैं निज़ामी जो स्ट्रीट है इनकी मेन वहां पे जाऊंगा और सी साइड वगैरह और कारपेट म्यूज़ियम ये वाली जगह एक्सप्लोर करके तो फिर फर्दर आगे का प्लान करना है कि आगे बाकू से निकलकर किसी दूसरे सिटी में जाना है। तो लेट्स सी आगे का प्लान क्या होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको बाकू का टूर करना हो तो मैं एक कंपनी का लिंक आपको दे दूंगा, आप उनसे जो है ना वो अपना वीज़ा एयर टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। और अगर आप ख़ुद से एक्सप्लोर करना चाहें वीज़ा ले लें और एयर टिकट आप उनसे ले लें, यहाँ पर आ जाएँ ख़ुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।